Welcome back to my channel, guys. I hope you people are getting benefits. So today we are going to talk about introduction. Okay, so introduction एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी स्कोरिंग जो है मैटर करती है. सो इसमें दो चीजें होती हैं. सो सबसे पहले जो होता है हमारी पैराफ्रेजिंग होती है. जो भी हमें गिवन स्टेटमेंट होती है उसको हमें पैराफ्रेज करना होता है. और जो दूसरी बात है उसको हम कहते हैं थीसिस. सो ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो इन दोनों की वजह से जो हमारी इंट्रोडक्शन है उसकी बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती है. अगर आपकी पैराफ्रेजिंग गलत हो गई तो आपके इंट्रोडक्शन के स्कोर गए. बट अगर आपकी थीसिस गलत हो गई फिर आपके ओवरऑल जो स्कोर है उसमें बहुत ज्यादा डिडक्शन हो जाएगी. सो इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. सो आप इसकी वजह से आधा बैंड तक खो सकते हो. बट अगर आपकी थीसिस गलत हो गई तो आपका सारा का सारा ऐसे जो है जाया हो जाता है. क्योंकि आप थीसिस ही ऐसी चीज होती है जिसमें आप बताते हो कि आप किसके बारे में बात करना चाहते हो. सो अगेन मैं लिख देता हूं यहां पर. सो पैरा ओके. सो ये हो गया. सो इम्पोर्टेंट बट जो थीसिस हो गई वो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके सो सॉरी थोड़ा सा डार्कनेस आ रही है. सो मैं एक मिनट. सो इस तरह मोबाइल से थोड़ा सा वीडियो बनाना काफी मुश्किल हो रहा है. सो इट्स ओके. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो मैं जो भी आपको बातें अभी बताऊंगा सो उसके बेसिस पर हम करेंगे. सो अभी हम देखते हैं पैराफ्रेजिंग करते कैसे. जैसे मैंने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी. अगर तो हमारा एक्टिव में कोई सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव टर्न दैट इनटू पैसिव. ओके और अगर पैसिव में दिया हुआ है तो उसको आप एक्टिव में कन्वर्ट कर दोगे. सो यही चीज आप कर सकते हो. और द बेस्ट वे ओके द बेस्ट इज यूजिंग जीरंड. सो जीरंड क्या होता है. जीरंड एक ऐसी चीज होती है जैसे जिस किसी भी वर्ब को अगर हम आईएनजी से शुरू करते हैं किसी भी सेंटेंस को उसको हम जीरंड कहते हैं. तो अभी मैं आपको यही बताऊंगा क्योंकि अगर आपने मैं नहीं चाहता कि आप स्कोरिंग करें आपका ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा. इतना पावरफुल ऐसे लिखोगे आप कि वाकई ही सामने वाले को भी पता चलेगा कि हाँ इसमें जो है बंदे ने जो पूरे रूल्स हैं उसको पूरी तरह से इस बंदे ने फॉलो किया है. सो अभी मैं क्या करता हूं. तो अभी आपको स्टेटमेंट जो है आपको ऊपर पूरी दिखने लग गई होगी. सो जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द बेस्ट वे टू सॉल्व द वर्ल्ड्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फ्यूल. डू यू अग्री और डिसएग्री. सो ये कह रहे हैं. सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो किसी भी जो उसकी कह रहे हैं कि वर्ल्ड की एनवायरमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो कॉस्ट ऑफ फ्यूल को बढ़ाना है. सो यही हमारी क्वेश्चन है ये हमारी पैराफ्रेजिंग है. जो थीसिस स्टेटमेंट है वो है डू यू अग्री और डिसएग्री. सो पहली बात तो ये बिफोर एम्बार्किंग ऑन माय व्यू पॉइंट वाले या फिर जो कहते हैं दिस एस विल शेड लाइट ऑन दिस और दैट. सो पता नहीं वो क्यों लिखते हैं वो टोटली इनफॉर्मल है. जर्नल वालों के लिए नहीं कह रहा हूं वो लिख सकते हैं बट जर्नल वालों के लिए मेरे पास और भी ज्यादा स्ट्रांग ऐसे है अभी जो मैं लिखूंगा यहां पर. सो आपने उस चीज को छोड़ देना है. सो आपने क्या करना है. सो जिस तरह से मैं अभी आपको बताऊंगा आपने उस तरह से लिखना है. अदरवाइज जो आपकी स्कोरिंग इंट्रोडक्शन की बिल्कुल जाएगी. सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप आईएनजी से वगैरह से शुरुआत कर सकते हो जीरंड से शुरुआत कर सकते हो. जीरंड की वीडियो अवेलेबल है बट ज्यादा अच्छी वीडियो अभी नहीं है क्योंकि वो मैंने ना रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा टाइम मुझे नहीं लगा था. तो उसकी वीडियो आ जाएगी बट तब तक फिर भी जिनको पता है तो हम देखते हैं. सो द बेस्ट वे टू सॉल्व वर्ल्ड्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज. एक बात मैं और बता दूं इंक्रीजिंग. ये तीनों डिफरेंट वर्ड्स हैं क्योंकि इसमें आप नाउन की तरह यूज कर पास्ट में यूज कर रहे हो इसको जीरण की तरह यूज कर रहे हो. सो अगेन ये तीनों लग हैं. यहां पर जो इंक्रीज है वो नाउन की तरह भी हम यूज कर रहे हैं. यहां पर वर्ब है ये और यहां पर ये जीरण है. सो ये कुछ लोगों को नहीं पता होता उनको ये नहीं पता था कैसे शुरू करें इसको. सो देखिए जैसे कि स्टेटमेंट देख रहे हैं द बेस्ट वे टू तो जो सॉल्व है ना हम उसको ही कह देंगे. ओके सो जैसे कि सॉल्व कह सकते हो. सो इन्होंने कहा द बेस्ट वे टू सॉल्व द वर्ल्ड्स एनवायरमेंट प्रॉब्लम इज टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ फ्यूल. सो इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ओके is considered
टू बी द बेस्ट मेथड. ओके सो बेस्ट क्या आ गए जो दा लगे बेस्ट मीडियम टू एलिविएट एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज कह सकते हो एनवायरमेंट So why this is a very strong line? So first of all, it starts from gerund. Okay. So increasing the cost of fuel is considered. So this is passive. So एक तो gerund, ऊपर से passive. So इसने तो बहुत ज़्यादा strong बनना ही बनना था. So to alleviate. So sorry. So उसको जो खत्म करने के लिए जो हम worse environment problem उसको हमने alleviate लिख दिया और environment related issues लिख दिया. सो ये हमारी पैराफ्रेजिंग है. सो पैराफ्रेजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आपके इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग नहीं है तो आपके जो सारी स्कोरिंग है इंट्रोडक्शन की जीरो हो जाएगी. सो अभी जो हमारी है थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे. सो थीसिस स्टेटमेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आपकी इंट्रोडक्शन में और कुछ हो ना हो बट अगर ये दो चीजें मिस हो गई तो आपकी सारी की सारी स्कोरिंग चली जाएगी. सो देखिए यहां पर अभी हमें एग्री डिसएग्री होना है. अगर तो आप एग्री होना चाहते हो फिर तो कोई बात ही नहीं है. फिर तो आप कहोगे दिस डेफिनेटली इज द बेस्ट आइडिया. सो यहां पर ऐसे मत लिखिए बिफोर एम्बार्किंग ऑन माय व्यू पॉइंट. उन चीजों की कभी स्कोरिंग नहीं आती. सो ना तो आ जाने वाली है ना कल आने वाली है. उनके शायद हो सकता है 5.5 बैंड या फिर 6 आ जाए. बट अगर आपका टारगेट 7 है 7 और प्लस का है 7.5 वगैरह लेना चाहते हो तो फिर आपको यहां पर थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यूज करना पड़ेगा. सो मैं आगे लिख रहा हूं इसको. ओके So thesis the most important thesis. Okay. So यहां पर मैं while का structure use करने. While एक ऐसा complex structure है अगर आप use करोगे ना आपकी scoring कम हो ही नहीं सकती. अगर उसको सही तरीके से writing में use करोगे तो while की video बहुत ज्यादा explained video available है. तो अभी use करते हैं while. So मैं ऐसे नहीं लिखूंगा I agree with this statement. Disagree वो जमाना गया यार. Agree disagree वाले स्कोरिंग नहीं मिलती आपको. अगर उससे स्कोरिंग मिलती होती तो सभी क्या क्यों ना जाते. So बट अगर आप फिर भी जो है 6 का ही टारगेट है मैक्सिमम तो कोई फायदा नहीं है. बट अगर आप ये लिखोगे आपके स्कोरिंग कम भी होती होगी ना तो ये बचा लेगा. सो वाइल दिस अप्रोच तो इसको हम कहेंगे वाइल दिस अप्रोच कैन बी proved beneficial up to some extent कॉमा. कॉमे का मतलब जद के है. यहां पर आप कॉमा डाल देते हो गलत है. वो अभी भी डालोगे 100% डालोगे पेपर में भी डाल कराओगे. डालते रहो वहां पर कॉमा और नंबर कटवाते रहो. सो अगेन यहां पर कॉमा नहीं लगेगा बट थैंक्स टू ऑल आप अभी भी लगा कराओगे. सो बहुत बढ़िया है. सो करते जाइए इसको. सो यहां पर कॉमन लगेगा जबकि. ओके सो जैसे कि उन्होंने कहा ना बेस्ट है. सो या तो हम लिखेंगे दिस इज फार फ्रॉम बीइंग द बेस्ट मेथड. ओके सो ये हमने डिसएग्री कर दिया. हमने कहा कि हाँ कुछ तो हो सकता है जो कहीं लेवल तक जो इसका बेनिफिशियल हो बट ये उससे एक अच्छा वाला मेथड नहीं है या फिर इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग. सो व्हाइल दिस अप्रोच कैन बी प्रूव्ड बेनिफिशियल अप टू सम एक्सटेंट इसके बाद अदर मेथड्स आर मच सुपीरियर टू दिस टू दिस आइडिया लिख सकते हो टू दिस अप्रोच लिख सकते हो. सो अगेन यू कैन सी. सो जो भी मैंने किया यहां पर सो मैंने वाइल का यूज किया. कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो मैंने इंट्रोडक्शन में यूज कर दिया. जीरंड यूज कर दिया. वाइल को यूज कर दिया. इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी क्या करेंगे. सो यही मैं आपको कहता रहता हूं कि इन चीजों का यूज करें. अभी मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा. और मैंने एक असाइनमेंट भी डाली है अगर 7 बैंड की असाइनमेंट जो अभी मैंने वीडियो डाली है. सो उसको मिस मत कीजिए. वो आपकी वीडियो बहुत ज्यादा आपकी स्कोरिंग बढ़ाने वाली है. सो अभी मैं आपको और एग्जांपल देता हूं. तो अभी आपको नेक्स्ट अभी आप देख सकते हो. सो आगे एक और स्टेटमेंट है. सो अभी आपको 100% समझ आ जाना चाहिए कि मैं कैसे करूंगा इसको. सो यही एक मैं आपको और एग्जाम्पल देने जा रहा हूं. द ओनली वे टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी इज टू गिव मच स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स और गिविंग ऑफेंस. सो
आगे चलने से पहले तो एक पर्सन ने मुझे आज डोनेशन दी थी, सो उसका रियली थैंक यू। सो उसके लिए मैं स्पेशल पोस्ट बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत मैटर करता है जो भी उन्होंने मेरे लिए किया था। सो मैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ऐसे नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो देखिए, इसको द ओनली वे टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी इज टू गिव मच स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स ऑन ड्राइविंग ऑफेंसेस। ओके, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री टू डिसएग्री? अगेन, अगर आप इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग नहीं करोगे तो जीरो स्कोरिंग, अगर आप थीसिस नहीं करोगे तो सारे पैराग्राफ के जो स्कोरिंग है बिल्कुल ही ज्यादा कट जाएगी। सो अगेन प्लीज पैराफ्रेजिंग कीजिए। सो एग्री डिसएग्री की वीडियो अवेलेबल है, उसमें भी मैंने पैराफ्रेजिंग पर बहुत ध्यान दिया, वो भी देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा। सो द ओनली वे टू, ओके, सो यहां पर दिख रहा होगा आपको होपफुली, नहीं यहां पर क्वेश्चन होगा। सो गिविंग स्ट्रिक्ट, ओके, सो जो स्ट्रिक्टर कहेंगे पनिशमेंट्स, अभी यहां पर लोगों कह रहे हैं कि पनिशमेंट्स क्या गया, इस क्यों लगा रहा हूं मैं। सो जीरण से शुरू होगा, जीरण का कंसेप्ट बाद में करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, जो पर्सन प्लूरल के बाद आर लगाता है वो बंदा तो बहुत सही है, बट जो पर्सन ग्रामर को रूल करके बुक्स के साथ इज लगा सकता है ना, वो बंदे की स्कोरिंग बहुत आने वाली है। गिविंग स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स, ओके, इस थॉट कह सकते हो आप, कंसिडर्ड कह सकते हो, ओके, इज कंसिडर्ड इज थॉट बाय मैनी टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट वे टू डेटर मोटरिस्टिस कह सकते हो, ओके, सो आपकी मर्जी है अगर आप लिखना चाहो मोटरिस्टिस, सो ये आप पर डिपेंड है अगर आप लिखना चाहते हो। सो मोटरिस्टिस, सो और कोई है जो आप कर सकते हो, डेटर मोटरिस्टिस फ्रॉम ब्रेकिंग ट्रैफिक लॉस। सो इसमें आपने कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं करना, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अपने हिसाब से लिखिए। सो गिविंग स्ट्रिक्टर पनिशमेंट इज थॉट बाय मैनी टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट वे टू डेटर मोटरिस्टर्स फ्रॉम ब्रेकिंग ट्रैफिक लॉस। सो इसके लिए प्लीज कमेंट मत करते जाइए, पनिशमेंट के बाद आ रहा है, ये जीरन है, इसका कंसेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा। सो अगेन आप ही के लिए है, सो कोई अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। मैं आपको इसीलिए पहले इसके बारे में बता रहा हूं कि अगर किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट यहां पर इजी आएगा। सो अभी इसकी थीसिस लिखेंगे, थीसिस के बिना ये अधूरा है, इन दोनों की जोड़ी का कोई फायदा नहीं है अगर दोनों इकट्ठे साथ में ना आए। सो आगे देखिए, सो अगेन व्हाइल दिस अप्रोच, अगेन डिसएग्री कर रहे हैं, दिस अप्रोच व्हाइल लिख रहे हैं हम, डिसएग्री वगैरह सीधा नहीं, व्हाइल दिस अप्रोच कैन, सो थोड़ा सा लग करूंगा, अप्रोच बेनिफिशियल इन सम केसेस, ओके, जद के, इसका मतलब जद के अदर्स, यहां पर कॉमा लगा दीजिए, गलत है, यहां पर प्लीज लगा दीजिए, पेपर में भी लगा कर आइए, यहां पर गलत है कॉमा लगाना, बट आप पेपर में भी लगा के होगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग फॉलो तो करने वाले नहीं हो, तो यहां पर कॉमा गलत है, नहीं लगाना, यहां पर लगेगा अदर्स, अदर मेथड्स कैन सिग्निफिकेंटली solve this problem, और आप क्या कर सकते हो, other methods are much superior than this approach। So इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आप जर्नल स्टेटमेंट की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, उसके लिए भी एक बढ़िया सा मैं बनाऊंगा, रिकॉर्डिंग में बनाऊंगा इस तरह से, काफी मैं देखना चाहता हूँ आपको कॉपी पर समझ आता है कि कंप्यूटर पर ज्यादा समझ आता है, तो उस पर मैं देखूंगा अभी। सो यू कैन सी दैट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू, सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट पैराफ्रेजिंग, देन वी आर जस्ट गोइंग टू राइट द थीसिस स्टेटमेंट। सो थैंक यू ऑल, प्लीज शेयर, सो देयर इज लॉट ऑफ स्टफ दैट आई हैव, बट वीडियोस आर नॉट गेटिंग व्यूज दीस डेज, सो दैट्स व्हाई इट्स रियली डिस्करेजिंग फॉर मी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू डू माय बेस्ट। सो थैंक यू ऑल, होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू।